तो गैस आज मैं आपको जो सीबी फोटोडिंग सीखने जा रहा हूँ, इस टाइप की फोटोडिंग आप कभी भी नहीं देखोगे, क्योंकि गैस आज मैं आपको सीबी फोटोडिंग बनाने का इतनी आसान टिप्स देने वाला हूँ कि अंत में आप भी बिल्कुल इस टाइप की ही फोटोडिंग बना सकते हो। सो गैस आपको वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है एंड गैस हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके साइड की बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तो चले गैस बिना देखिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके सो गैस सबसे पहले क्या करना है, आपकी जो फोटो को यहाँ पर गैलरी से सेलेक्ट करके पिक्सल आप इनपुट कर लेना है। तो गैस यहाँ पर मैं सेल पर क्लिक करता हूँ और पिक्सल आपको सिलेक्ट लेता हूँ। सो गैस यहाँ पर देख सकते हो हमारी फोटो यहाँ पर पिक्सल आप पर ओपन हो चुकी है। लेकिन सबसे पहले गैस आपको क्या करना है, यहाँ पर गैस आपको इफेक्ट टूल पर क्लिक करना है। तो ये रहा इफेक्ट टूल, सिंपल आपको ये इफेक्ट टूल पर क्लिक करके यहाँ पर सबसे पहले गैस आपको आर्टिस्टिक ऑप्शन को ढूंढना है। तो ये रहा आर्टिस्टिक ऑप्शन, सिंपल आपको इसी ऑप्शन को क्लिक करके यहाँ पर गैस आपको ये सभी फिल्टर ओपन कर लेना है। यहाँ पर गैस आपको इस तरह से स्वाइप करके चलाना है, आपको लास्ट की एक फिल्टर को अप्लाई करना है। यहाँ पर गैस आपको फेटल वन फिल्टर को अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये फिल्टर को अप्लाई कर लेना है, इसी फेटल वन फिल्टर को क्लिक करके यहाँ पर गैस फिर से आपको क्लिक करके सेटिंग को ओपन कर लेना है और यहाँ पर फेड को थोड़ा कम करना है। फेड को कम करके यहाँ पर गैस आपको 30 के आसपास रखना है और गैस आपको इरेज टूल पर क्लिक करना है। तो गैस ये रहा इरेज टूल, सिंपल आपको ये इरेज टूल पर क्लिक करना है। तो सिंपल यहाँ पर मैं इरेज टूल पर क्लिक करके इन्वर्ट कर लेता हूँ और गैस आपको रिस्टोर पर क्लिक करके यहाँ पर गैस आपको हार्डनेस को रखना आपको यहाँ पर 90 के आसपास और साइज को रखना आपको यहाँ पर 26 के आसपास, ठीक है। तो 26 से रखता हूँ और गैस आपको इस तरह से जूम करके सिर्फ आपको कपड़े के ऊपर और जमीन के ऊपर ही अप्लाई करना है, स्किन हेयर और बैकग्राउंड पर नहीं अप्लाई करना है, ठीक है। तो गैस यहाँ पर मैं जल्दी से अप्लाई कर लेता हूँ। सो गैस यहाँ पर मैं ड्रॉ कर चुकी हूँ, अभी गैस आपको यहाँ पर डन करके बैक चलना है और गैस आपको यहाँ पर मर्ज कर लेना है। तो ये रहा मर्ज का ऑप्शन, सिंपल आपको ये मर्ज टूल पर क्लिक करके यहाँ पर गैस आपको FS ऑप्शन को ढूंढना है। तो गैस ये रहा FS का ऑप्शन, सिंपल आपको ये FS ऑप्शन पर क्लिक करना है और गैस आपको HDR फिल्टर को अप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो गैस ये रहा HDR का फिल्टर, तो ये HDR फिल्टर को अप्लाई करके यहाँ पर गैस फिर से आपको सेटिंग को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैं सेटिंग को ओपन कर लेता हूँ और सबसे पहले गैस आपको फेड को एडजस्टमेंट करना है। तो फेड को कम करके गैस आपको यहाँ पर 23 रखना है और सैचुरेशन को प्लस करके 4 रखना है। उसके बाद गैस आपको ऑन शार्प को प्लस करके 60 के आसपास रखना है। तो यहाँ पर मैं 62 ही रखता हूँ। उसके बाद गैस आपको यहाँ पर ब्लर को एडजस्टमेंट करके 37 के आसपास रखना है। तो यहाँ पर मैं 37 ही रखता हूँ। उसके बाद गैस आपको यहाँ पर इरेज टूल पर क्लिक करना है। तो ये रहा इरेज का टूल, सिंपल आपको ये इरेज टूल पर क्लिक करके यहाँ पर गैस फिर से आपको इरेज टूल पर क्लिक करना है और हार्डनेस को कम कर लेना है। तो हार्डनेस को रखना है आपको 35 और साइज को रखना है आपको यहाँ पर 40 के आसपास, ठीक है। तो गैस अभी आपको यहाँ पर जूम करके यहाँ पर स्किन और हेयर के ऊपर से आपको ये इफेक्ट को हटा देना है। तो यहाँ पर मैं HDR इफेक्ट को हटा देता हूँ। सो गैस अभी आपको यहाँ पर डन करके बैक चलना है। तो यहाँ पर मैं डन करके बैक चलता हूँ और फिर से आपको यहाँ पर डन करके बैक चलना है। सो गैस यहाँ पर देख सकते हो हमारे जो कपड़े के ऊपर सीबी फोटोडिंग का जो फिल्टर अप्लाई हो चुकी है। लेकिन गैस अभी हमें और एक काम करना पड़ेगा। तो क्या करना है, आपको यहाँ पर ड्रॉ टूल पर चले जाना है। तो गैस ये रहा ड्रॉ टूल का ऑप्शन, सिंपल आपको ये ड्रॉ टूल पर क्लिक करना है और यहाँ पर ड्रॉ टूल पर क्लिक करके सबसे पहले गैस आपको यहाँ पर जूम कर लेना है फोटो को, आपको जूम करके यहाँ पर गैस आपको कलर टूल को चूज करना है। तो गैस ये रहा कलर टूल का ऑप्शन, सिंपल आपको ये कलर टूल को चूज करके यहाँ पर गैस आपको पेंसिल आइकन पर क्लिक करना है। तो ये रहा पेंसिल आइकन का ऑप्शन, सिंपल आपको ये पेंसिल आइकन पर क्लिक करना है और ये मार्क टूल को ले जा करके फेस में जहाँ पर ज़्यादा लाइट कलर होगा उसी कलर को कॉपी कर लेना है। तो गैस यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो कॉपी करने के बाद गैस आपको यहाँ पर ब्रश टूल पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं ब्रश टूल पर क्लिक करता हूँ और गैस ब्रश पर क्लिक करके आपको सेटिंग को ओपन कर लेना है। तो सेटिंग को ओपन करके सबसे पहले गैस आपको हार्डनेस को कम करके आपको 85 के आसपास रखना है और गैस आपको साइज को एडजस्टमेंट करके आपको यहाँ पर 20 के आसपास रखना है। तो यहाँ पर मैं 20 ही रखता हूँ और गैस आपको ये ब्रश को क्लोज कर लेना है। क्लोज करके अभी गैस आपको जूम करके यहाँ पर आपको स्किन के ऊपर इस तरह से ड्रॉ करना है। तो गैस यहाँ पर मैं जैसा ड्रॉ करता हूँ आपको भी वैसा ही ड्रॉ करना है, फुली स्किन के ऊपर आपको ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से ड्रॉ कर लेता हूँ। सो गैस यहाँ पर मैं ड्रॉ कर चुकी हूँ, अभी गैस आपको यहाँ पर लेयर पर क्लिक करना है। तो गैस ये रहा लेयर का ऑप्शन, सिंपल आपको ये लेयर ऑप्शन पर क्लिक करना है और लेयर ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर गैस आपको ओपेसिटी को कम कर लेना है। तो इसी ओपेसिटी को कम कर लेना है, ओपेसिटी को कम करके जितना गोरा चाहिए उतना रख लेना है। तो यहाँ पर मैं 44 रखता हूँ और गैस आपको यहाँ पर डन करके बैक चलना है। तो इसी डन ऑप्शन पर क्लिक करके बैक चलना है। तो यहाँ पर मैं डिस्कार्ड करके बैक चलता हूँ। सो गैस अभी आपको यहाँ पर स्वाइप करके चला जाना आपको यहाँ पर ऐड फोटो पर, ठीक है। तो गैस आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये रहा ऐड फोटो का ऑप्शन, सिंपल आपको ये ऐड फोटो पर क्लिक करना है। ऐड फोटो पर क्लिक करके यहाँ पर गैस आपको एक रेड बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। तो ये रेड बैकग्राउंड का लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पर, आप ये जाकर डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले गैस आपको इसको छोटा करके इस तरह से आपको फेस के ऊपर रख लेना है और गैस आपको इरेज टूल पर क्लिक करना है। तो ये रहा इरेज का टूल, सिंपल आपको ये इरेज टूल पर क्लिक करके इन्वर्ट कर लेना है और गैस आपको रिस्टोर पर क्लिक करके हार्डनेस को रखना आपको यहाँ पर 90 के आसपास और साइज को रखना आपको यहाँ पर 20 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर मैं साइज को 20 आसपास रख लेता हूँ, तो 21 रखता हूँ। उसके बाद गैस आपको जूम करके चश्मे को इस तरह से ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से ड्रॉ कर लेता हूँ। सो गैस यहाँ पर मैं ड्रॉ कर चुकी हूँ, अभी गैस आपको यहाँ पर डन करके बैक चलना है और गैस आपको यहाँ पर ओपेसिटी को कम कर लेना है।
ओपेसिटी को कम करके यहाँ पर गैस आपको 80 के आसपास रखना है और गैस आपको यहाँ पर डन करके बैक चलना है। सो गैस फिर से आपको यहाँ पर ऐड फोटो क्लिक करके यहाँ पर गैस आपको बैकग्राउंड को ऐड करना है। तो गैस आपको ये बैकग्राउंड का लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पर। तो अभी आपको ये सभी बैकग्राउंड को ऐड करके सिंपल आपको इस तरह से बड़ा कर लेना है। तो फोटो के हिसाब से आपको इस तरह से बड़ा करके यहाँ पर हल्का सा नीचे इधर आपको स्वाइप कर लेना है और गैस इस तरह से एडजस्ट करके यहाँ पर गैस आपको इरेस्ट पर क्लिक करना है। तो गैस यहाँ पर मैं इरेस्ट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर इन्वर्ट करके आपको रिस्टोर पर क्लिक करना है। हार्डनेस को रखना आपको 96 के आसपास और गैस आपको साइज को रखना आपको यहाँ पर 30 के आसपास, ठीक है। उसके बाद गैस आपको यहाँ पर जूम करके यहाँ पर मॉडल को छोड़ करके सिर्फ आपको बैकग्राउंड पर ही ड्रॉ करना है। तो गैस आपको यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से ड्रॉ कर लेता हूँ। सो गैस यहाँ पर बिल्कुल ड्रॉ हो चुकी है। अभी गैस आपको यहाँ पर डन करके बैक चलना है और फिर से आपको यहाँ पर डन करके बैक चलना है। तो गैस अभी आपको फिर से आपको ऐड फोटो क्लिक करके यहाँ पर गैस आपको ये हेयर पिन जो को ऐड कर लेना है। इसको भी आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पर, आप इजे जाकर डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन अभी गैस आपको यहाँ पर हेड के ऊपर फिट करके यहाँ पर गैस आपको क्या करना है, आपको डन नहीं करना है। तो गैस अभी आपको इस तरह से स्वाइप करना है, स्वाइप करके एडजस्ट टूल पर क्लिक करना है। तो ये रहा एडजस्ट का टूल, सिंपल आपको ये एडजस्ट टूल पर क्लिक करके यहाँ पर सबसे पहले गैस आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर साइडों को प्लस कर लेना है। तो यहाँ पर मैं साइडों पर क्लिक करता हूँ। तो साइडों पर क्लिक करके यहाँ पर गैस साइडों को इस तरह से प्लस कर लेना है। प्लस आपको 50 के आसपास रखना है और गैस आपको यहाँ पर क्लैरिटी पर क्लिक करना है और क्लैरिटी को भी स्टेप से प्लस कर लेना है। तो क्लैरिटी को प्लस करके 55 के आसपास रखना है और यहाँ पर डन करके बैक चलना है। सो गैस आपको इरेज पर क्लिक करके हेयर के नीचे से जो बेकार पार्ट दिख रहा है उसी को आपको इरेज करके हटा देना है। तो गैस यहाँ पर मैं इरेज करके हटा देता हूँ, इस टाइप से आपको इरेज करके हटा देना है। उसके बाद गैस आपको क्या करना है, यहाँ पर गैस आपको जूम आउट करके आपको यहाँ पर डन करके बैक चलना है। सो गैस फिर से आपको यहाँ पर डन करके बैक चलना है। तो पिक्सआर्ट पर जितना काम था यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर गैस बिफोर एंड आफ्टर भी दे सकते हो, ये रहा बिफोर एंड आफ्टर। लेकिन गैस आपको और एक स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या करना है, आपको ये इमेज को सेव करना है। उसके बाद गैस आपको लाइट रूम पर ये पिक को इनपुट कर लेना है। ओके सो गैस यहाँ पर देख सकते हो लाइट रूम पर पिक इनपुट हो चुकी है। आपको भी यहाँ पर पिक इनपुट कर लेना है। लेकिन गैस आपको ये पिक को इनपुट करने से पहले आपको ये प्रीसेट को भी डाउनलोड करना है। ये प्रीसेट का लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पर, आप इजे जाकर डाउनलोड कर सकते हो। सो सबसे पहले गैस आपको यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है। तो ये 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर गैस आपको कॉपी सेटिंग करना है। तो गैस आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये रहा कॉपी सेटिंग का ऑप्शन। सिंपल आपको ये कॉपी सेटिंग करना है। कॉपी सेटिंग पर क्लिक करके यहाँ पर डन करके आपको ओरिजिनल फोटो को ओपन कर लेना है और फिर से 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर कॉपी सेटिंग नीचे आपको यहाँ पर पेस्ट सेटिंग करना है। तो यहाँ पर मैं पेस्ट सेटिंग कर देता हूँ और गैस यहाँ पर देख सकते हो एक क्लिक में हमारी फोटो एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। सीबी एडिटिंग का प्रीसेट पड़ चुकी है और ये रहा बिफोर एंड आफ्टर। तो बहुत ही अच्छी तरह से हमारी जो एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। सो गैस आई होप आपको एडिटिंग अच्छी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साइड की बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलेगा, मिलता है अगले किसी वीडियो में।